हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के लिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। आपको बताया, हमने बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़े, मेल की भी और फीमेल की भी जरूरत पड़े ठीक है। और इससे जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो पेरेंट से अलग होंगे ठीक है। अब अगर हम बात करें इवेंट्स की, तो बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ठीक है। कितने होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं ठीक है। एक फ्लो चार्ट की फॉर्म से मैं देखते हैं इसको। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और जो लास्ट वन होगा वो होगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्री, प्री का मतलब पहले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा कौन सा आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएंगे ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना क्या बोलता है? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ठीक है। उसके बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर भी किसके अंदर होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर होता है ठीक है। अगर हम बात करें हुमन की, तो हुमन के अंदर जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के, मेल के केस में होता है स्पर्म और फीमेल के केस में होता है एग या ओवा ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाले को सिनगैमी भी बोलते हैं ठीक है। ओके, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ठीक है। ओके, वुमन के केस में क्या बताया था? मेल और फीमेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? स्पर्म और ओवा ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? स्पर्म और ओवा ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसको सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जायगोट बनेगा ठीक है। और उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जायगोट का डेवलपमेंट होगा, जायगोट डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा एम्ब्रियोजेनेसिस ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ठीक है। ये इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो गैमेट्स किससे बनेगा? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनेगा। उसके बाद जब गैमेट्स बन जाएंगे तो क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल बताया, जो ह्यूमन होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवा या ओवम ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होता है? सिनगैमी, इसको सिनगैमी बोलते हैं, इसके अंदर जायगोट बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? जायगोट का डेवलपमेंट होता है ठीक है, डिवीजन क्लीवेज होता है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो।